कॉमेडियन को माइक की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी आवाज दमदार है और कॉमेडी भी। हम इन्हें उज्जैन एक्सप्रेस कहते हैं और ये एक ही ट्रैक पे चलती है, द लाफ्टर ट्रैक। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर हिमांशु बवंडर फ्रॉम उज्जैन एमपी। शबे विशाल माहो अंजुम के बीच तमाम आकर बे जवान अफला के मुअल्लिम हाजरीनों का तहे दिल से इस्तकबाल करता है। देखिए सर, ये खासियत है, समझ में किसी के नहीं आया लेकिन वाह वाह कर रहे हैं। मैं बोलने वाली थी, समझ में नहीं आया। अर्चना मैम, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, क्यों? भारत में वो चीज बहुत चलती जो किसी के समझ में नहीं आती। राधा श्याम जी, हमारे देश की राजनीति 47 से चल रही है, आज तक किसी को समझ में नहीं आई। और यहाँ बेटा हर व्यक्ति गवाह, इतिहास उठा करके देख लीजिए, why this cola very D से लगा के अमेरिका से ले लो तो तक कच्चा बादाम। किसी के समझ नहीं आता। किसी के बाप के समझ में नहीं आया, लेकिन चल बहुत रहा है। एक प्रश्न सुनकर दिमाग खराब हो गया सारा का सारा। क्या कालजयी प्रश्न था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? और विघ्नेश भाई, दिक्कत लॉकडाउन में बहुत बड़ी, एक समस्या थी खड़ी, एक प्रश्न इतना बड़ा था, बताइए इस कलेश में, इस भसड़ में और इस रोड़े में कौन था? आप ही बता दीजिए अर्चना जी, रसोड़े में कौन था? बहुत बड़ा प्रश्न है यार, रसोड़े में कौन था? दोस्तों को बात बात पर जबरदस्ती डांटना, बाथरूम में बेसुरा गाना, खाना खाके पर्दे में हाथ पोछना, बिना सोचे बोलना, पत्नी को जबरदस्ती जगाना जब खुद को नहीं आ रही हो निंदिया। शेखर जी, देर आर फ्यू थिंग्स दैट हैपन ओनली इन इंडिया। मतलब दूसरे देश के लोग बाग नसीहत देते हैं, बोले मेहनत करा कर बेटा एक दिन कामयाब बन जाएगा, और हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, गुरु तुम्हारे दोनों दांतों के बीच में गैप है, पैसे वाले बनोगे। पूरी दुनिया से अंग्रेज आते हैं आगरा ताजमहल देखने, हम जाते हैं अंग्रेजों की लुगाइयां देखने। मेंटलिटी हमारी कभी जाएगी नहीं। अब अगर ये ऐना इतनी संपन्न हो जाए कि हेलीकॉप्टर से सब्जी खरीदने जाए तो भी धनिया फ्री में ही मांगेगी। दूसरा, आप राधे श्याम भारती जी को देखिए, कैसे बन ठन के बैठे हैं शेखर बाबू। राधे जी का वक्त आने दो, बताएंगे। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है इस देश में। जिस दिन घर की सफाई करते हैं शाम को आंधी आ जाती है, जिस दिन नहीं करते मेहमान आ जाते हैं। तो इस देश में कमाल ही होता है भाई है? देखो आप जरा सी हवा से उड़ जाए और नाम बवंडर। सरपंच महोदय, गजल में हर्फ का और नुक्ते का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आप कितनी बड़ी बहर की गजल लिख लीजिए, नुक्ता तो यही लगेगा। तो मुझसे इन्होंने पूछ लिया, विघ्नेश भाई ने, बोले हिमांशु स्वार्थ क्या होता है? मैंने कहा देखो मैं विदेश तो नहीं गया लेकिन अपने देश का बताता हूँ कि स्वार्थ क्या होता है। अर्चना जी, जब अपना बच्चा रोता है ना तो दिल में दर्द होता है, और दूसरे का रोता है तो सिर में दर्द होता है। जब अपनी बीवी रोती है तो सिर में दर्द होता है। और दूसरे की? महोदया, आपके पड़ोसी की स्माइल देख के आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरे की बीवी रोती है तो कहाँ दर्द होता है। सर, कहाँ से चले थे हम, कहाँ आकर के रुक गए? पहले फिल्टर पानी साफ करने के काम आता था, आजकल चेहरे साफ करने के काम आया। लेकिन हम किसी भी मस्ती में रहे, किसी भी दुख में रहे, हंसी के फव्वारे छूट जाते हैं। हम अगर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए तो रिश्वत दे के छूट जाते हैं। सर, जो आशिक अपने घर वालों के डर से अपनी प्रेमिका से बाथरूम में बैठ के बात कर रहा है और फोन पे क्या बोल रहा है,
जाने मन जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुमको किस बात का डर? तो सर आप देखिए, इंग्लैंड में होती इंग्लिश किस, फ्रांस में होती फ्रेंच किस, और हमारे यहाँ होती जल्दी जल्दी कर लो नहीं तो कोई देख लेगा। अनुभवी बयान है ये। अनुभवी मतलब अनुभव सिर्फ देखने का ही है मैडम, करने का बिल्कुल नहीं। नहीं अब करोगे, टर्टल नेक पहन लिया है ना, अब करोगे। सर टर्टल को भी जब डर लगता है ना तो मुझे अंदर कर लेना। तो अंदर करके कर लेना। कोई नहीं देखेगा। पता है अर्चना जी, अनुभव भी लोगों का ऐसा अनुभव लेकर प्रैक्टिकल करो ना तो फिर एक ब्रह्म वाक्य गूंजता है कि एक्सपीरियंस इज ओनली नेम गिवन बाय मैन टू हिज मिस्टेक्स। और ये जितने नव युवक बैठे हुए हैं या नव युवतियां बैठी हुई है, इनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत करो तो सांवले रंग से करना गुरु, क्योंकि गोरे तो आजादी के पहले से ही बेवफा हैं। क्या बात भाई, ये लाइन यो भाई, यो बढ़िया बात, बहुत अच्छे वाह, क्या बात है। मैंने कहा तुम आज फॉर्म में हो। और सर ये जो हम 135 करोड़ हुए ना, ये ऐसे ही नहीं हुए। आप ऑब्जर्वेशन देखिए, विदेश में अर्चना जी जैसे ही बारिश होती है गपशप होती है, स्नैक्स परोसे जाते हैं, प्लीजेंट म्यूजिक बजता है, वो कमर में हाथ रख के करने वाला डांस और इसके बाद कई रोमांस। भारत में बारिश हो 5 मिनट में लाइट चली जाती है। शेखर सर म्यूजिक गया तेल लेने, उल्टा मोमबत्ती ढूंढने के चक्कर में बर्तन गिर के बजने लगते हैं। घर के बाहर कीचड़ हो रहा होता है, घर के अंदर मच्छर काट रहे होते हैं, लेकिन मजा ले भारतीय आदमी के रोमांस में 1 मिनट की कमी आ जाए। हमारे भारत में तो ठंड का मतलब भी यही होता है कि दिन छोटे और परिवार बड़े। दिन छोटे परिवार बड़े। और धन्य है ये महिलाएं। क्यों आप लोग जादूगरनियां होती हो यार? क्यों क्यों बिल्कुल, बाजार जाती हो तो पहनने के लिए कपड़े नहीं होते और घर में कपड़े रखने के लिए जगह नहीं होती। बहुत अच्छे, बहुत खूब। ये भारत की महिला है सरपंच महोदय, पति से 5,000 रुपए लेती है, 6,000 का हिसाब देती है और 2,000 बचा भी लेती है। क्या बात है यार, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। सर देखिए आप जब मायके में होती है तो रानी होती है, ससुराल में आती है तो उसको लक्ष्मी का दर्जा दे करके लेके आते हैं, और गृहस्थी और बच्चों के चक्कर में उलझ कर वो बाई तक बन जाती है, इस प्रकार वो रानी लक्ष्मी बाई बन जाती है। यार कहां कहां से ला रहे हो। और अपने पति को अंग्रेज समझ के उस पर धावा बोल देती है। और वो बेचारा अंग्रेज ना होते हुए भी अंग्रेजी लेने लगता है। जिंदाबाद। और सर वो बेचारा रात को यही सोचता है, दो पैग पी के 10 बजे तक घर चला जाऊंगा, बाद में पैग 10 हो जाते हैं और वो बेचारा 2 बजे तक भी घर नहीं पहुंच पाता। बहुत अच्छे वाह, बहुत अच्छे वाह भाई वाह। पवंडर आज ये यकीन हो गया और ये नाम जो है तुम्हारा जस्टिफाई हो गया, जो है पूरी तरह से तुम पे ही चरितार्थ होता है। थैंक यू सर। और तुमने उसको बहुत बढ़िया से जस्टिफाई कर दिया और आज तुम वाकई एक पवंडर हो। बहुत आपने बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने एक इतना बेहतरीन, इतना वेल रिटन, वेल डिलीवर्ड एक्ट हमारे सामने पेश किया है। यू आर अ powerful package. Thank you. Yeah. And I loved it. हम खड़े होते हैं। पवंडर जी आप कॉमेडी की होप और लाफ्टर की टॉप हो। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.